हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, पाकिस्तान का जो कि कल का मैच आ रहा है, बहुत ही बुरी तरह मैच आ रहा है, जो कि बहुत ही हमें बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की देखने को मिली है। तो इसकी रीज़न बताएंगे कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तरह ये मैच आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी जो परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकता होता, कि इतना ज़्यादा वो प्रेशर अपने ऊपर ले लेता है कि बाकी टीम्स के ख़िलाफ़ जो टीम मतलब सबसे बड़ा रन चेज उन्होंने चेज़ किया था वो कर लेती हैं, पर इंडिया के ख़िलाफ़ जो आपको कहते हैं ना कि कहाँ पे टांग जाती हैं, वही सीन हुआ है कल के मैच में। हमें देखने को मिला 191 का टारगेट जो कि दिया, जो कि बहुत ही कम टारगेट था, इससे ज़्यादा तो अफगानिस्तान ने इंडिया को दे दिया था। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली पाकिस्तान टीम की तरफ से, और इंडिया ने इजीली इस रन को इजीली चेज़ कर लिया था, तो जैसा कि आप सभी को पता है। मगर इसके पीछे कुछ वजूहात हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये मैच फिक्स था, और ये आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई ये मैच फिक्स था या फिर नहीं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो होम क्राउड था वो बहुत ज़्यादा था, और आप देख लें वहाँ पे 99% अगर मुझे लग रहा है वहाँ पे जो हिंदू थे और साथ में जो इंडियन थे, तो आपने देखा ही था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला हो रहा था। पहले नंबर पे तो भाई वीज़े नहीं इशू किए गए पाकिस्तानी आवाम को कि पाकिस्तानी आवाम भी मैच देखने जाए। ये बहुत ही बड़ी इंडिया की तरफ से आप मुनाफ़त कह सकते हैं जो कि इंडिया ने अपनी दिखाई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में, जो कि पाकिस्तान टीम को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं दिया गया, ये इंडियन टीम को बेनिफिट मिला है कि भाई उनकी आवाम उनके क्राउड उनके साथ है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी। दूसरे नंबर पर वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम, इस तरह करके वहाँ पर स्पीकर लगाए गए थे, इस तरह वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। एक ICC का मैच चल रहा है, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, और वहाँ पर ये सब कुछ जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए था। और इसके अलावा जो होम क्राउड का मैंने बताया कि वो भी इंडिया के साथ था, तो पाकिस्तानी आवाम को इस चीज़ का भी बेनिफिट नहीं मिला। इसके अलावा बाकी अभी ये बात चल रही है कि ये मैच फिक्स था ज़कात अशरफ की वजह से, क्योंकि ज़कात अशरफ इंडिया पहुँचे थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़कात अशरफ इंडिया पहुँचे थे, और 2011 में गालबन ये गए थे, तब भी पाकिस्तान मैच हार गया था। तो पहले नंबर पर इन्हें पनौती कहा जा रहा है, तो मुझे तो नहीं पता बाकी पनौती हैं या फिर नहीं, ये तो फिर अल्लाह की ज़ात को ही पता है। बाकी इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम ने ये मैच फिक्स किया था। अब पाकिस्तानी आवाम ने तो गालियाँ निकालनी थी, बनती भी हैं उनकी भी। आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं एक मैच में? चलो भाई हारना जीतना जो कि एक मुकद्दर की बात है, पर आप टारगेट तो अच्छा दें, ठीक है टारगेट भी अच्छा दें। 191 का बहुत ही बुरा टारगेट था। पहले नंबर पे ये गलत बात थी, दूसरे नंबर पे इन्होंने बॉलिंग जो थी ना, बॉलिंग भी इनकी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं थी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल बॉलिंग की। शहीन ने 2 विकेट्स ली हैं, इसके अलावा हसन ने 1 विकेट लिया, हारिस ने भी विकेट नहीं ली, शादाब ने भी नहीं ली। शादाब की तो परफॉर्मेंस पर आप बात करें ही ना, यारियाँ यारने यहाँ पे चल रहे हैं, और इसीलिए भाई जिसकी कोई दोस्ती है किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाबर के साथ या किसी के साथ भी, उसे भाई रख लिया जाता है टीम में। अगर आपने अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, नंबर वन पे रखना है, अपनी टीम को रैंक पुश करना है, आगे लेके चलना है ना, जीतना है, तो आपको ये यारियाँ यारने तोड़ कर अपनी टीम की अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी टीम के साथ आपको आना पड़ेगा। तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा।